हाय गाइस, वैसे तो अपने देश को और अपने देश की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों को याद करने का कोई वक्त नहीं होता, पर 15 अगस्त यानी कि हमारे आज़ादी के दिवस के अवसर में एक और सिनेमा का ट्रेलर लॉन्च हो गया है अमेज़न प्राइम में। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का शेरशाह, ये कारगिल वॉर के एक सच्ची स्टोरी के ऊपर आधारित फिल्म है। तो चलिए इसका ट्रेलर का रिएक्शन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, बल्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। क्या जगह है सर, जहां देखो वहां पिक्चर पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए दिलों में खौफ बना रहना जरूरी है। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। हम तैयार हैं जनाब। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। सारे को मार काट के वापस आ जाऊंगा। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या होगी, लेकिन आऊंगा जरूर। अब तक का ट्रेलर देखते देखते कियारा आडवाणी के बारे में तो भूल ही गई थी, जैसे अचानक से आ गई, उम्मीद ही नहीं थी। अगली बार लौटी कहीं तो बस मेरे लिए आना। फिर फौजी, यू नीड लिव बाय चांस, लव बाय चॉइस एंड फाइट बाय प्रोफेशन। अपनी मौत को दुश्मन की मौत मेरा भी बहुत ऐसा है। ये डायलॉग तो अभी आया है कि नया इंडिया घुसकर मारेगा, पर कारगिल के वॉर में भी जो इंडिया था ना, वो घुस के मारता था। चिंता ना होना मेरा व्यापक क्रम में, तो फिर मैं कभी किसी भी नाम पे आऊंगा। क्या हो रहा है तिरंगा हाँ भी रहेगा। बहुत ही कमाल का VFX इस्तेमाल किया है। ये दिल मांगी मोर सर, ये दिल मांगी मोर। तो भुज का रिलीज है शायद 11th या 13th अगस्त को, और शेरशाह का रिलीज है 12th अगस्त को। दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, वो शायद हॉटस्टार पे था और ये अमेज़न प्राइम में है। पर फिर भी ऐसी पिक्चरें देखने के बाद, ऐसी सिनेमाज की ट्रेलर देखने के बाद ऐसा मन लगता है कि ये सब अगर थिएटर में रिलीज होता तो अच्छा होता। पर खैर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ट्रेलर के बारे में क्या कहना, सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी बहुत टू द पॉइंट एक्टिंग है, और क्यूट सी कियारा आडवाणी तो है ही, बिल्कुल क्यूट क्यूट सा ही नहीं, थोड़ा प्यार के लिए पावरफुल डायलॉग्स भी है। ओवरऑल ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में विजुअलाइजेशन की जो जो VFX है वो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ चीप सा आर्टिफिशियल सा रंग नहीं रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे ट्रेलर में विष्णुवर्धन यानी कि डायरेक्टर की बहुत अनोखे काम की नज़ारे मिल रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं, साउथ की बहुत सी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट करी हैं। तो या देखते हैं फिल्म कैसी रहती है। और वैसे भी सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये कमबैक भी ग्रांट कर सकते हैं, फिल्म अच्छी हो तो उनका भी शायद एक बूम हो,
या इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रिएक्शंस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।